रश्मि किचन में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेरी इजी प्रोसेस से एगलेस टूटी फ्रूटी केक सूजी से बिना ओवन के कढ़ाई में बनाना बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैंने ड्राई फ्रूट्स, टूटी फ्रूटी केक, चॉकलेट केक और चोकोलावा केक ऑलरेडी मैंने कढ़ाई और कुकर का यूज करके मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। तो आइए शुरू करते हैं सूजी से बना टूटी फ्रूटी केक बनाना। अगर आपके पास मेजरिंग कप नहीं है तो आप कोई भी कटोरी को आप मेजरमेंट करने के लिए रख सकते हैं। आप जैसे मैंने इस कटोरी से सारा मेजरिंग किया हुआ है। मैंने मिक्सिंग बाउल लिया हुआ है, ये मैं हाफ बाउल मैंने फ्रेश दही लिया हुआ है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसको विक्स की हेल्प से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए अच्छे से अब मिक्स हो गया है ये। अब मैं इसमें वन बाउल मैंने शुगर पाउडर लिया है, ये मैं इसके अंदर डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए अच्छे से अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ये हाफ बाउल मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है जिसमें कोई स्मेल नहीं है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो बटर या कोई भी जिसमें स्मेल ना हो वो रिफाइंड ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है, इसमें अब कोई भी लम्स नहीं है। अब मैं इसमें ये मैंने बारीक वाली सूजी लिया हुआ है वन बाउल, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ और इसे एक ही डायरेक्शन में हिलाते हुए इसको मिक्स कर दीजिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये अभी ठीक है। अब मैं इसमें मैंने हाफ बाउल मिल्क लिया हुआ है, ये मैं बॉयल मिल्क ली हूँ और अभी ये रूम टेम्परेचर पे है, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। मैं अभी थोड़ा थोड़ा ही डालूंगी, इकट्ठा दूध नहीं डालना है क्योंकि सूजी कितना एब्जॉर्ब करता है दूध को उतना ही डालना है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। ये देखिए अच्छे से अब ये मिक्स हो गया है। अब मैं इसे 15 मिनट्स के लिए मैं इसे ढककर रख दूंगी, जिससे ये जो सूजी है ये अच्छे से लिक्विड एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए मैंने ये कढ़ाई लिया हुआ है। आप कोई भी हैवी बॉटम वाली, चाहे पतीला हो या कढ़ाई हो, कुकर हो, कोई भी आप ले सकते हैं। मैंने ये कढ़ाई लिया है। ये देखिए मैं इस तरह का जाली वाला मैंने प्लेट लिया हुआ है। अब मैं इसमें इसको ऐसे डाल दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी कटोरी यूज कर सकती हैं, उसको उल्टा करके उसको रख सकती हैं। अब मैं इसको प्री हीट करने के लिए मैं इसको ढककर रख दे रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए ये थोड़ा ठीक हो गया है। मैंने हाफ बाउल दूध लिया था तो इतना बच गया था। अब मैं इसको ये डाल दे रही हूँ पूरा और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। ये देखिए ये अच्छे से अब मिक्स हो गया है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, रिबन की तरह। अब ये परफेक्ट इसका बैटर रेडी हो गया है। अब ये देखिए मैंने केक टिन लिया हुआ, ये स्टील का है, आप कोई भी केक टिन ले सकते हैं, किसी भी शेप का। मैंने ये राउंड शेप का लिया हुआ है। अब मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर दे रही हूँ। ये देखिए अच्छे से मैंने इसमें ऑयल ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसमें मैदा डस्ट करूंगी और इसको चारों तरफ इस तरह से मैं कोट कर ले रही हूँ। ये देखिए अब ये अच्छे से चारों तरफ कोट हो चुका है। अब मैं ये जो एक्स्ट्रा मैदा है ये मैं अब इसको निकाल ले रही हूँ। ये देखिए इस तरह से केक टिन रेडी हो गया है। अब मैं इसको यहाँ रख दे रही हूँ और ये जो मैंने बैटर लिया था इसको मैं अच्छे से एक बार फिर से मिक्स कर ले रही हूँ। अब मैं इसमें
मैंने ये बेकिंग पाउडर लिया हुआ है, ये मैं 1 टीस्पून मैं इसमें डालूंगी। ये मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर मैंने लिया, ये इसमें मैंने डाला। और ये मैं 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर बेकिंग सोडा लिया हुआ, ये मैं इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने ये वेनिला एसेंस मैंने लिया हुआ है, ये भी इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1 टीस्पून। ये मैंने 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला मैंने, और इसको अच्छे से मिक्स कर दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसमें मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी लिया हुआ है, ये मैं अब इसमें डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। इसको हल्के हाथ से ही अब मिक्स करना है। अब ये जो मैंने केक टिन लिया हुआ है, अब मैं इसमें सारा बैटर इसमें डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने सारा बैटर इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको इस तरह से टैप कर ले रही हूँ जिससे कि इसके नीचे जो एयर बबल्स है वह निकल जाए। अब मैं इसमें ये जो टूटी फ्रूटी लिया हुआ है मैंने, ये इस पे इस तरह से मैं डाल दे रही हूँ। ये देखिए अब मैं इसको कवर हटा रही हूँ, और ये मैंने जो बैटर केक टिन का है ये मैं इसके अंदर रख दे रही हूँ, और इसको मैं इसे ढककर 30 से 35 मिनट के लिए लो से मीडियम फ्लेम के बीच में मैं इसे बेक करूंगी। ये देखिए अब 35 मिनट्स हो गया है, मैं इसका कवर हटा रही हूँ। और ये देखिए मैंने ये नाइफ लिया हुआ है, इसको मैं इस तरह से ये देखिए पूरा नीट एंड क्लीन नाइफ निकल गया है। इससे ये होता है कि केक बेक हो गया है अच्छे से। अब मैं इसे ठंडा करने के लिए बाहर निकाल ले रही हूँ। ये देखिए केक बनकर तैयार हो गया है। इसे हमेशा ठंडा करके ही आप इसे अनमोल्ड कीजिए। ये अब पूरी तरह से ठंडा हो गया है। अब मैं इसे नाइफ की हेल्प से मैं इसके साइड्स हटा ले रही हूँ इस तरह से। अब मैं इसे अनमोल्ड इस तरह से प्लेट के हेल्प से मैं इसे अनमोल्ड कर ले रही हूँ। और ये देखिए कितना सॉफ्ट स्पंजी केक रेडी हो गया है। अब मैं इस तरह से प्लेट के हेल्प से मैं इसे पलट दे रही हूँ। ये देखिए स्पंजी केक कितना टेस्टी बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए मैं इसको कट करके आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है, कितना परफेक्ट बना है केक। सूजी से बना टूटी फ्रूटी केक बनकर तैयार हो गया है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए जिससे मेरे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और सभी में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।